अगर आपका भी एंड्रॉयड 13 डिवाइस है या फिर उससे ज़्यादा है और आप जब विडमेट को ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है, विडमेट स्टार्ट नहीं हो रही है, जीरो पर अटक जाता है, कभी अलग ही मतलब जीरो से 80 तक बीच में अटक जाता है, तो कैसे आप इसे फिक्स करोगे, ठीक करोगे, वही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो अभी तो हमने यहाँ पे हमारा जो विडमेट है उसको खोल लिया है, तो ये कैसे खुला और एंड्रॉयड 13 में ये मतलब काम क्यों नहीं करता, कैसे करेगा, वही इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दो तीन स्टेप्स बताऊंगा, सारी फॉलो कीजिए, एक ना एक से आपकी प्रॉब्लम ज़रूर फिक्स हो जाएगी। सबसे पहले इसके लिए आपको अपने विडमेट का डाटा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐप इन्फो खुलेगी, ऐप इन्फो के अंदर जाने के बाद स्टोरेज में जाइएगा और क्लियर डाटा कर दीजिए। इसने आपने जो जो वीडियो डाउनलोड कर रखे वो डिलीट नहीं होंगे क्योंकि वो गैलरी में सेव हो चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला स्टेप यही करेंगे। अब आपको आप से विडमेट को खोलना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, इससे लगभग सभी लोगों की प्रॉब्लम आराम से फिक्स हो जाएगी। बाकी इससे भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही, अगर इससे भी आपका काम नहीं बन रहा, तो दूसरा मेन तरीका यही है कि आपको अपने ऐप को अपडेट करने की ज़रूरत है। आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट करना है। अब अपडेट कैसे करना है, सबसे पहले तो अगर आपने नया वर्जन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है, इस केस में आपको पुराना वर्जन चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि जो एंड्रॉयड 13 है उसके लिए अभी ये जो ऐप है वो कैपेटेबल नहीं बना है, या फिर उसकी जो कैपेबिलिटी है वो अभी सही से नहीं आई है, तो उसके लिए आपको एक पुराना वर्जन चाहिए होगा। उसको आप कहीं से भी, मतलब जहाँ से आपने ये नया वाला वर्जन डाउनलोड कर रखा है वहीं से आप इसको पुराना वाला वर्जन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्रोम वगैरह से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।